अस्सलाम वालेकुम विरन वीन्यू। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही चमकीला दिन निकला हुआ था, लेकिन ऐ इंग्लैंड इत्थे ते दिन इंज बदलता कि तुसी कपड़े नहीं बदलते नहीं जल्दी जिन्नी जल्दी मौसम बदल जाता है। तो सुबह मैं उठी, फिर मैं क्या चलो आज जो है ना मैं पराठा बना के खाऊँ। बड़े दिन हुए पराठा नहीं खाधा, और पराठे से मैं कहती हूँ कितनी यादें जुड़ी हैं, हर चीज़ नाल याद जुड़ी होंगी है। मैं लगता जल्ले बंदा जिंदगी दे बहुत सारे दिन गुजार लेंदा ना, तो यादों में कन्वर्ट हो जाते हैं वो दिन। तो बस हमारी यादें भी पराठों के साथ, और हमने कहा हम बनाएं पराठा, और साथ मैंने ली थी मैंगो की चटनी और अचार, और मैंगो की चटनी भी बड़ी ज़बरदस्त लगती है अचार के साथ। उसके बाद मैंने अपने किए कपड़े इस्तरी, मैनू ना नहीं चंगा लगता जो मेरे कपड़े इंज इधर उधर रोलते हो, मैनू होंगे मैं उनको इस्तरी करके उनको मैं सही तरीके से उनको मैं रखूँ, ताकि जब मैंने पहनने हों तब मुझे वो कपड़े अपनी जगह पर सही सलामत मिले। चलें जी, अब मैं जा रही हूँ आजडा शॉपिंग करने, थोड़े बर्गर बनाने हैं उसके लिए, लेके आऊँ टी केक्स। ये वाले टी केक्स ले रही हूँ, ये वाले बनाएंगे हम। मैंने बनानी है ट्राइफल, ये देख ट्राइफल का सामान, कस्टर्ड पहले ले गई थी अभी ये। तो क्या ले रही है ट्राइफल के लिए? ये ट्राइफल में सारा ये ले रही है इंग्रेडिएंट्स, आज कुछ बनाऊंगी जाके। बारिश होने लग गई है, और अभी तो इधर से जा रही हूँ, बैग भी एडा भारा कर लिया शॉपिंग वाला, वो भी नहीं चुकया जाता पे। लो जी, बारिश तो भिजते पजाते घर आए, बच्चों वास्ते लैके आए बर्गरों का समान है, नाल मैं लैके आई ट्राइफल का समान। तो ये बर्गर थे, इनको मैंने ओवन में बनाओ के, तो मैं कहा चलो तानू तो मैं ज़रा थोड़ी देर तुझे चुप करके बवो। ये छुट्टियों का हॉलीडेज़ के लास्ट दिन का व्लॉग है, जब मेरी सिस्टर के बच्चे आए हुए थे, और बस सारे इकट्ठे होने माशाल्लाह भुख भी बड़ी लगती है फिर बच्चों, और ये इनको मैंने ओवन में रखा और बड़े ही ज़बरदस्त बने। फिर हमने जाना था जल्दी से घर कुछ देखने। हम जा रहे हैं घर, और बिल्डर ने प्लास्टर फिनिश किया, उन्हें बहुत ही मेहनत नाल काम किया। तो मैं अपने हस्बैंड को मैं कहा चलें थोड़ी सी चॉकलेट कुछ उसको ले देते हैं, थैंक यू कर देते हैं। पैसे देने काम कराना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन किसी का दिल से काम करना उससे भी अच्छी चीज़ होती है। तो बस हम उसका थैंक यू करेंगे, अभी जाते हैं घर और देखते हैं जाके। आज हमारा किचन भी आ गया, और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि लगेगा तो फिर वेखांगे कि किड्डा वधिया लग। हाई तुहानू कणियां दी आवाज़ आती पई, कणियां पाकिस्तान ना कणियां पैंदियां हुंदियां सन, तुहानू याद है अक्सर विहड़े च या छत ते सोईदा सी, ते विहड़े च अक्सर सुत्या होना ते अख खुलनी ठंडियां ठंडियां कणियां उत्ते पैणियां, पहलां ते पे रहना कि चलो हुणे ही बंद हो जाएगी, जिहड़े तेज़ होणियां ना उस वेले उठ के दौड़ जाना मंजियां चुकड़ियां बरामदे च, विहड़ा हुंदा सी एड्डा वड्डा विहड़े दे अगे बरामदा सी, मंजियां चुक के सारे बरामदे च दौड़ लाते होंगे सन, तो किडे सोहने टाइम सन है। हुण ते प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है ना जिंदगी, होर तो कुछ रहा नहीं सिवाए प्राइवेसी दे, किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन अपने रिश्तों च ही अपने लोगों नाल ही ऐ टू मच हो जाता जरा। चलें जी, मेरे हसबेंड आ गए तो चॉकलेट लेके जी आ जाए, ये देखें ये आई है चॉकलेट, ये हम उसको देंगे जाके, ठीक है मिलते हैं आपको घर। देखें कितनी नाइस है चॉकलेट, देखिए अंदर, देखें जी ये आप अंदर से लिख के लाए। अच्छा बारिश, ओह ऐ वेखो जी असी आए कार, ते कार दा तुसी बहुत ही पुछदे हो कि क्या काम हो रहा है। ये देखें किचन पड़ा हुआ है, अभी ये लगेगा, तो बस मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ कि किंजदा लगेगा। तो ये हम ऊपर आए प्लास्टर जो है उसको मिले। बाहर देखें बारिश, अभी वो बारिश में लगे हुए थे काम करने। इतने वैसे ना
कमिटमेंट जो कर लेना तो फिर तो काम बहुत सोहना कर देने, बस अपनी अपनी किस्मत है, बिल्डर की भी कोई समझ लगती नहीं। फिर तो हो गए बड़े ज़बरदस्त। मैं हूँ सैलड जड़ा है, बस लैटस ही इसमें डालनी है, लैटस बस डालूँगी पत्ते और मेयोनीज और बस। यहाँ मैंने बर्गर रख लिए सारे वारो वारी, इनके ऊपर स्पाइसी मेयो लगाई, लेटस लगाई और बर्गर जो है वो रेडी हो गए। ये बस जरा से थोड़ी देर बाहर गए ना, उन्नी देर च बर्गर जड़े ने वो रेडी हो गए। अब घर में थे और भी लोग, इसलिए ये ना समझियो कि मैं ओवन ऑन छड़ के तो मैं चली गई। तो बर्गर यहाँ पे हो गए थे रेडी। तो इसके बाद मैंने फिर शाम का भी खाना बनाना था, मैं कहा चलो हले ऐ तो दवा ना बच्चों को, फिर उस तो बाद शाम के खाने की भी तैयारी करांगे। बस बच्चे कार चोन ते बस खाना खाना खाना, इन्हीं के साथ रौनक और ये ही चंगा लगता, नहीं तो उंज बंदे का दिल ही नहीं करता कुछ खाण ते पकाण ते, रौनक ही बच्चों के साथ होती। तो बच्चों ने बड़ा ही फिर इंजॉय किया। मैं कहा तुसी एक ही प्लेट लग गए हो, फटाफट चलो दूसरी प्लेट ले आओ। तो यहाँ पर मैंने सारा अपना जो ट्राइफल बनानी थी उसकी तैयारी की। नहीं जी, ट्राइफल बनाती हूँ अभी, बच्चों को बड़ी पसंद है, तो देखें कैसी बनती है। इत्थे मैं ले दो फ्राई पैन। हुण मैं ना तुसी वेख्या होगा मैं मिठा इन्ना बनाती नहीं, मोस्टली बच्चे जड़े ने ना इत्थे दा इंग्लिश मिठा ही बाहरों ही खाते हैं, तो थोड़ा फिर वेट का भी हो जाता कि साढ़े खाने बड़े हैवी होंगे ने मिठे। फिर जे हलवा बनाओ तो घ्यो पाओ, तो जे चावल बनाओ तो भी बहुत ज़्यादा बटर वगैरह पड़ जाता है। तो मैं अज क्या चलो बच्चों ने मैं ट्राइफल बना लवा, एक थी स्ट्रॉबेरी वाली और एक थी जैली मैंगो वाली। ठीक है, हुण जिहड़ा उन्होंने उत्ते लिखिया सी मैं तो उस हिसाब नाल ही बनाई, पर मैनू लगदा कि पानी जिहड़ा है वह थोड़ा फरे बहुता पै गया। बहरहाल बड़ी देर इन्हें मैं घुमाती रही मुड़ के मैं फ्रिज रख दिता। फिर ये स्पंज था, ये फिर मैंने इसको भी स्लाइसिस में इस तरह से काट लिया। तो ऐ मैं ना अपने वालों स्ट्रॉबेरी वारी वारी लानी शुरू की, पर फिर ये रासबेरीज भी मैंने सूट दी थोड़ी सी। ये जैली जो मैंने पकाई थी वो मैंने इसमें डाल दी। ये इसके साथ ही बड़ी अच्छी फ्रूट इसके अंदर जैली में बन जाते हैं। यह थोड़ा जैसी की कहते हैं कीवी फ्रूट ए भी पा देता बिच। दूसरी तरफ जो मैंगो जैली थी वो भी हमारी बन गई, उसको भी मैंने इस तरह से निकाले। ये मैं बाद में ऊपर डालूंगी, लेकिन जैली नू बड़ा ही टाइम लगा भी मैं फ्रिज रख दी। मैं कहा चलो ऐ ठंडी हो लवे उतनी देर में मैं बना लूँ चावल। तो मैंने खड़े मसाले सूट के जिंजर गार्लिक सूटा, टाइम इन्ना नहीं सी मेरे को प्याज ब्राउन करने का, इसमें मैंने चीटिंग किया। ये देखें फ्राइड अनियंस मैंने इसमें, ये सूट के पानी सूट सटा के इसको मैंने बस चंगी तरह तड़फा लिया। जब तो मैंने इसमें सूट दिया गर्म मसाला गर्म मसाला सूट के भी हमने इसको जब घुमा फरा लिया चंगी तरह से, तो फिर हमने इसके ऊपर सूटा नमक। देखें नमक कैसे आ रहा है बुलंदी से हैं। तो फिर इसमें मैंने सूटी चिकन, चिकन को सूट के हमने अच्छी तरह से जब पून बना लिया इस तरह से वधिया सा करके आपने चंगी तरह डोई कमा फरा के इसको सारी तरफ से पका लेना, इसका रंग सवार के बना लेना। टमाटर डाल देने हैं, काली मिर्चें डाल देनी हैं, तो आपने इसको चंगी तरह पून लेना। फिर आपने सूटनी है लाल मिर्चें। ये ना मैं बना रही हूँ बस इसको क्या कहते हैं सतरंगी चावल जिसमें इसमें पानी भी डाल दिया। मैं कहा थोड़ा जहाँ गल जान, बच्चों को ना पीज़ और आलू बड़े पसंद है, तो मैं क्या चलो मैं हूँ कि दो दो छावा बनाती पर मैं एको ही हांडी च सारा कुछ मैं क्या पा के बनानी हाँ। तो फिर मैंने कहा चले थोड़ा सा यखनी पुलाओ मसाला भी डाल दूँ हैं, शान भाजन के मसाले हैं, पता नहीं जिन्ह ने ना मसाले बनाए होंगे तो दुनिया ने कितने जाना सी वैसे तो बस एक दो चम्मच ये भी मैंने डाल दिया। मसाला देखें कितना ज़बरदस्त बना है। तो ये जैसे पंजाबी पुलाव होता है ना कुछ उस टाइप का, कि पंजाबियों ने तो मैं कहती हूँ हर तरह का खाना हम लोग माशाल्लाह खा लेते हैं। पराठा रात की कोई सब्जी पक्की हो तो सुबह असी पराठे बना लेने होंगे ने हैं, जो ना कुछ हो तो असी दही नाल पराठा खा लेना होंगे। और चावलों में भी आप टमाटर जो मर्जी डालें, आई मीन खुश खुराक खुश मिजाज लोग जो मर्जी पका लो तो जो मर्जी खा लो। तो बस ये मैंने पीज़ और आलू अच्छी तरह मिर्चें भी डाल दी इसमें मैंने भून लिया अच्छी तरह से इसको। तो फिर मैंने तीन कप चावल थे मैंने इसमें डाले थे चार कप पानी, चार कप पानी डाला था और इसको मैंने रख दिया पकने के लिए। और यहाँ पे मैंने कहा चलें साड़ी जड़ी ये जैली वो जम गई वो तैयार हो गई। और ये देखें ये इसमें क्रीम थी, कस्टर्ड था
और ये जो ट्राइफल वाले केक्स होते हैं ये वो थे। मैं कहा चलो मैं जिनी देर तक पानी उबलता है ना उदा उन्नी देर तक मैं अपनी ट्राइफल रेडी कर लूँ। तो ये केक जो इस तरह से हमने स्लाइसिस काटे हुए थे वो इस तरह कर लिए थे। इन्नी देर च मैं कहा चलो मैं हूँ पानी उबलन लग पाया हूँ मैं ये पा देव चावल। आपको पता है एक टाइम पे हमने कितने काम करने होते हैं, मल्टी टास्किंग यू नो, कि यह भी बन जाए वो भी हो जाए। तो बस ये अब मैंने रख के वापस मैं आई अपनी ट्राइफल की तरफ। कस्टर्ड मैंने खोला, मैंने सब कुछ रेडीमेड ही लिया था, मैं बनाया कुछ नहीं सी, मैं आज मिठा इंज का बनाया मैं क्या तुम कहो कि रेडीमेड तैयार लो फिर रेडीमेड ही जे। और ये सारा फ्रूट इसके ऊपर इस तरह से डाल के ये देखें जेली जो मैंने की हुई थी इसको मैंने इस तरह से कांटे लगा लो कि बस ये इस तरह से इसके ऊपर डाल दी। वही हूँ साढ़े घर होंदिया ने क्या कहते हैं उसको जो पाइपिंग वाली होती है ना जिसके ऊपर बड़े सोने से नक्शे बनते हैं फुल फुल शुल बन जाते हैं वो थी ओ मैंने लभियाँ कोई नहीं। बहरहाल मैंने कहा चलें मेरी बेटी फिर आ गई, वो कहती लाए मामा क्रीम का ना मैं कुछ करती हूँ, पर क्रीम मैं ले आई थी थिक क्रीम। अब ये क्रीम एज इट इज़ जेली के ऊपर जा सकती थी, कस्टर्ड के ऊपर जा सकती थी, पर असी क्या नहीं असी तो फनकारी करनी है ना असी इनू फेंटना शुरू कर दिता क्रीम नू इसमें डाल के इसको। ये देखें चावल हमारे अब दम पे जाने लगे, ठीक है इनको मैं अभी इस वक्त डालूँगी दम के ऊपर और हम वापस आएंगे अपनी क्रीम की तरफ। तो क्रीम में ये है मुरैन, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, स्वीट होती है, तो थोड़ा सा डाल के क्रीम में थोड़ा सा स्वीट हो जानी सी क्रीम और मज़ेदार। तो इसको बस इसमें मिक्स करके जड़े फेंटिया तो क्रीम थोड़ी जी हो गई पतली, शायद इसको फेंटना नहीं था, खैर फेंटिया फेंटिया इतनी फेंटी चाढ़ी इसको वो फिर थिक हो गई। देखें फिर मेरी बेटी कहती लाए मामा मैं करती हूँ, बच्चियों को बड़ा बेकिंग का पता होता है ना, तो ये बड़े इस तरह के काम कर लेती है। लेकिन हमारे पास सही पाइपिंग बैग नहीं था, साडा प्लान बुरी तरह फ्लॉप हो गया। पर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हम जो भी काम करने लगते हैं या हम सोचें कि हम किसी को दिखा रहे हैं तो वो परफेक्ट हो, कई दफ़ा ख़राब हुंदा काम भी किसी नूं विखाओ कि इंज भी कदी ठीक हुंदा है, साडी खुशी होनी चाहीदी है। परफेक्शन ढूंढना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कुछ सही ना भी बने तो भी कोई गल नहीं, नैक्सट टाइम वो चीज़ अच्छी बन जाती है। तो ए वेखो उन्हें तो चंगा हासा पाया है, मुड़ के फिर ए वेखो जी हुण क्रीम तो निकल ही ना बैग दे विचों है, वो तो इंज हो गई कि बस पुछो कुछ ना। ए वेखो क्रीम बहुत ही असी फेंट छड़ी, इन्नी कु फेंट छड़ी कि वह मुड़ के साड़ी गल ही ना मन्ने वो कहती या तुसी नहीं तो या मैं नहीं। तो बस ये देखें इस तरह फिर इसको सवार सवूर के, तो इस तरह फिर ये देखें फिर ये एक मुरैन मेरी बेटी ने बचा के इस तरह से डेकोरेट कर ली, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी जो है ना ये लगी डेकोरेशन हो के। तो बस फिर थोड़ी सी मुरैन जो है ये बनती है एग की सफ़ेदी के साथ, और ये यहाँ पे तो रेडीमेड मिल जाती है, आई थिंक आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन यह बड़ी वधिया लगती है। तो बस इनू असी रख दिता फिर फ्रिज दे विच, ते इन्नी देर च साढ़े चावलों नू लग गया दम। और मैं कहती हूँ मैंने जब दम खोला कोई खुशबू आई सोनी, और ये देखें चावल इसके ना दम का बड़ा हिसाब होता है, जब चावलों में बिल्कुल ड्राई करके जो तुम दम लाओ ना चावलों तो ताड़े चावल थले भी लग जाते हैं, उंज भी सही दम नहीं लगता। ऐ तुसी समझो 90% पानी चावलों का सुक गया हो, 10% होए ना उस वे तुसी मीडियम हीट रखनी है 7-8 मिनट, उसके बाद जो 7-8 मिनट है वो आपने लो हीट पे रखना है। तो बड़े ही ज़बरदस्त फिर बने थे। अब देखो मेरा बेटा आ गया से हैं, आ गया तो कैमरे दे गया कि मैं कहता है कि डोंट रिकॉर्ड, मैं खाना जड़ा ना वह पा के दवो प्लेट दे विच, मैं कल्या आओ जी तुसी ते नवाब हो सारे लिया मैं तेनू प्लेट च पा के दवा कर खाना। देखो भाई ये लो ये देखें कितने जबरदस्त, ये फोक के साथ चल जा, चलो जी सबर नहीं ना किसी में होता। कल चिकन बनाई थी ये वाली बनाई थी ना, ये देखें ये वाली बनाई थी मैंने चिकन, मैं अब इस चिकन का कुछ और बनाऊंगी, थोड़ा सा इसको क्रिएटिविटी दिखाएंगे, थोड़ी सी इसमें क्रिएटिविटी
चिकन बनाएंगे। केड़ी चिकन होंगी है? जलफ्रेजी। आखो जलफ्रेजी। ये देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा डालूंगी ऑयल। जीरे वाली पूड़ी, जीरे वाली पूड़ी, थोड़ा सा जीरा इसमें डाल दिया। और अब मैं इसमें थोड़े से डालूंगी, ये देखें, पेपर और प्याज। इस तरह से हमने कर लेना है बस ऐसे। इसमें वैसे टमाटर भी जाता है, टमाटर भी डालते हैं। खैर थोड़ा सा ये कर लूँ ना, फिर इसमें टमाटर भी ऐड करूँगी। तो ये चिकन, ये चावल हैं जो मैंने अभी बनाए थे, और ये जो है, मैंने आपको बताया ना मेरे नेफ्यू आए हैं, बस बच्चियाँ वगैरह मैं कहनी हाँ, मासियाँ जड़िया ने ना वो बस बॉयल कर दिया ने, ते फिर इतना बन गया कल। मैंने कहा चले अब आज इसको तुम कहोगे नाले मासियाँ स्पॉइल कर दिया, नाले मासी कल का बनया जड़ा ना वो बनाएगी। तो मैंने साथ चिकन पुलाव नया बनाया, और मैं साथ इसका कुछ डिफरेंट जो है ना वो बनाऊंगी। ठीक है, माशाल्लाह खा लेते हैं बच्चे सारा कुछ ना, उन्होंने बड़ा चंगा लगता है। मेरा बेटा आया बाहर से, बस भुख नहीं ना बर्दाश्त होंगी, मामा खाना डाल दें, खाना डाल दें। यह भी वैसे की गल है ना, है माँ को कहना कि खाना डाल दो, आप ही नहीं पा के खाना, माँ खाना डाल के दे। खाना तो सभी डाल के खा सकते हैं, लेकिन वो जो प्यार जरा माँ के खाना पा के देन च ना, वो होर किधरे। देखें इसमें प्याज, इसमें ऐसे बस थोड़े से मैंने सौते कर लिया, इसको मैं इसमें निकाल रही हूँ। ये देखें इसमें निकाल के, इसमें अब मैं डालूंगी ये चिकन जो मैंने कल बनाई थी, थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी। इसका मैं कह रही थी मैंने बनाना है मंचूरियन। हाय हाय, मंचूरियन नहीं, वो की सी, जलफ्रेजी। जलफ्रेजी में ना जाती है थोड़ी सी केचप, यहाँ तो हूँ वधिया बनेगी या सत्यानाश हो जाएगा। ए वेखो थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें केचप ये वाली, और तो करूंगी मिक्स। ये हमने डाल दी इसमें वेजिटेबल। देखिए नई डिश कितनी जल्दी जो है नई डिश बन गई है, ये देखिए। नहीं जी, ये आज बच्चों ने खाना टेबल तक नहीं पहुंचने देना, इनको मैं इधर से डाल के देती हूँ, क्योंकि हमारे टेबल पे बहुत कुछ पड़ा है, बर्तन चीज़ें पड़ी हैं उधर। तो खाना फिर मैंने सबको बच्चों को यहाँ से डाल के दे दिया, तो मैं कह चलो तुसी कर लो, बस जैसे हालात हों वैसे इंसान जो है ना अडोप्ट कर लेता है चीज़ों को। किसी भी चीज़ की आदत पै जानी जी है ना, वो फिर मुश्किल हो जाती। इतने तो खैर वैसे भी डाइनिंग टेबल तो घट ही बहते हैं तो बस इसके बाद फिर मैंने बर्तन शर्तन धोए, मैं क्या मैं क्लीनिंग सारी करूँ, और फिर जो है इनको उसके बाद मैं ट्राइफल दूंगी। तो बस यहाँ पे फिर सारी पलटून आके खलो गई कि अब हमें ट्राइफल मिलने लगी है। तो मैं कह लिया तुम्हें पाकदम, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी ही टेस्टी बनी थी। मैं किसी दिन इसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी, अभी तो मैंने बस इंजी ऐसी बना ली, या अपने घर जब जाऊँगी तो फिर दोबारा सही तरीके से बनाऊँगी, जिते सानू पता भी हो साड़ियाँ चीज़ा कितने ने। इतने तो साड़ियाँ समान चीज़ा ऐसा गवाचिया ने, कुछ लभदा ही नहीं, किधर किधर चीज़ा साड़िया चलिया गई। तो बस आप सब ने दुआ करनी है कि हम खैर खरी से वापस अपने घर चले जाएँ। 7 महीने की ये जर्नी थी यहाँ पे, और बस टाइम अभी गुजर ही गया। ठीक है, ओके जी, बाय।